दिल हार बैठे तो कर बैठे सब कुर उड़े खुशबू जब चले तुझको रब किया का ना कजरे की हार ना मोतियों के ना कोई किया सिंगार भी इतनी सुंदर हो इतनी सुंदर हो। हाँ तो गाइस अगर आप भी इस तरह के एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइस इस तरह का एडिटिंग करने के लिए आप सभी को जो है कुछ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगा, तो लिंक आप सभी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो आप सभी को मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजना है, तो क्या मैसेज भेजना है वहाँ पे लिखा होगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको हमेशा डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोजेक्ट फाइल है उसे डाउनलोड करके अलर्ट मैसेज ऐप के अंदर इम्पोर्ट कर लेना है, यानी कि शेयर कर लेना है। फिर यहाँ पे अलर्ट मैसेज एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट सेक्शन पे और यहाँ पे जो सॉन्ग बीटमैप प्रोजेक्ट है इसे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लिरिक्स के लेयर है यहाँ पे आपको इसको स्किप कर देना है, यहाँ पे आपको राइट की तरफ स्वाइप करके चले जाना है और यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे आना है 13.01 मिली सेकेंड यहाँ पे आ जाना है। और यहाँ पे आके जितने भी बीट मार्क है यहाँ पे फोटो ऐड करना है, तो फोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, उसके बाद यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको इस ऐड पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे दो बीट मार्क है, यहाँ पे आपको दो बार आपको इस यहाँ पे क्लिक करना है जिसे यहाँ पे पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, इसे कट कर देना है और फिर से बैक जाना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और फिर से यहाँ पे एक फोटो को ले लेना है और फिर इस ऐड पे क्लिक करना और इसे कट कर देना है। तो इस तरह से आप सभी को जो है फोटो ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फोटो ऐड कर चुका हूँ, तो आप जो है फोटो ऐड कर लेना। तो जैसे यहाँ पे सारे फोटो ऐड कर लेते हैं उसके बाद इस प्रोजेक्ट से बैक चले जाना है और फिर यहाँ पे सीसी एचडीआर इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पे जो नीचे जो फर्स्ट लेयर दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है। फिर आप सभी को बैक जाके मेन प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पे आप सभी को राइट की तरफ चले जाना है, जहाँ से आपने फोटो ऐड किया था वहाँ पे आप सभी को चले जाना है। और यहाँ पे जहाँ पे आपको डबल बीट मार्क दिखेगा इसके नीचे यानी कि राइट की तरफ जो लेयर दिख रहा है यहाँ पे आप सभी को जो इस इफेक्ट को ऐड करना है। जैसे कि यहाँ पे डबल बीट मार्क है तो इसके नीचे इस लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे भी आप सभी को जो एक लेयर दिखेगा इस लेयर के ऊपर क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाके इसे पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसी तरह से जो भी आपको डबल बीट मार्क दिखेगा जैसे कि यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो इस तरह से आपको सारे डबल बीट मार्क के यहाँ पे नीचे आपको जो है इस इफेक्ट को ऐड कर लेना है और फिर यहाँ से बैक चले जाना है और फिर यहाँ से आपको फिर से सीसी एचडीआर इफेक्ट प्रोजेक्ट को पिन कर लेना है। और यहाँ पे आपको सेकंड लेयर को अभी कॉपी नहीं करना है, यहाँ पे आपको थर्ड जो लेयर है यहाँ पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे कॉपी इफेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे चले जाना है जहाँ से फोटो ऐड किया था वहाँ पे आपको पहुँच जाना है और यहाँ पे आप सभी को जो है जिस टाइम पे आपको बता रहा हूँ वहाँ पर आपको इस इफेक्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप सभी को जो यहाँ तो आप सभी को जो इस छोटे लेयर पे इस इफेक्ट को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे राइट की तरफ चले जाना है और यहाँ पे आप सभी को जो यहाँ पे इस फोटो पे जो इस इफेक्ट को ऐड करना है और उसके बाद राइट की तरफ चले जाना है और फिर यहाँ पे आप सभी को जो 21 जो यहाँ पे इस इफेक्ट को ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे आप सभी को जो 24 यहाँ पे आपको दिखने मिल जाएगा, ये रहा 24 ये इस लेयर पे आपको इस इफेक्ट को ऐड करना है। और फिर यहाँ पे जहाँ से फोटो स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आप सभी को जो है कहाँ कहाँ मैं इफेक्ट को ऐड करने बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको छोटा सा एक लेयर देखने को मिल जाएगा, बड़ा लेयर के बाद ही यहाँ पे इस इफेक्ट को ऐड करना है। तो ऐड करने जैसे कि यहाँ पे जो है 15 सेकेंड है यहाँ पे आपको आ जाना है, यहाँ पे इस इफेक्ट पे लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो सेम प्रोसेस है, मैं आपको सिर्फ टाइम बताता हूँ कहाँ पे आपको अप्लाई करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप जो है 18 यहाँ पे जो छोटा लेयर है यहाँ पे भी जो है आपको इस इफेक्ट को ऐड करना है। उसको जाएंगे तो यहाँ पे आप सभी को जो 21 यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे इस लेयर पे भी जो आप सभी को जो 21 जो मिली सेकंड के नीचे जो है यहाँ पे आपको भी इस इफेक्ट को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे 24 ये जो लेयर दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है 27 का एक लेयर दिखेगा यहाँ पे इस इफेक्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप सभी को इन इफेक्ट को ऐड कर लेना है, उसके बाद बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे सीसी एचडीआर इफेक्ट को ओपन कर लेना है और फिर यहाँ पे जो सेकेंड लेयर दिख रहा है नीचे यहाँ पे क्लिक करना है
और फिर यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे कॉपी लेयर कर देना है और फिर यहाँ से बैक चले जाना है और फिर से यहाँ पे मेन प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना और उसके बाद यहाँ से आपको जो है फोटो को यहाँ पे चले जाना जहाँ से फोटो ऐड किया था। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी कुछ इस तरह का कुछ जो है थोड़ा सा बड़ा लेयर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस इफेक्ट को जो पेस्ट नहीं करना, कैसे करना मैं बता देता हूँ। यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप सभी को जो है क्लिक करना है और फिर यहाँ पे इस एरो पे क्लिक करना है, पेस्ट स्टाइल के आगे जो जो छोटा सा एरो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और कलर को ऑफ कर देना, फिर यहाँ पे इसे पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पे जितने बाकी लेयर है जहाँ पे आपने कुछ इफेक्ट नहीं लगाया था, जैसे कि इस बड़े लेयर पे आपको इस पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है और पेस्ट स्टाइल कर देना। यहाँ पे आपको इस एरो पे आप क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको पेस्ट स्टाइल कर देना। उसके बाद फिर से आपको जो चले जाना राइट की तरफ, तो ये वो लेयर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पे भी उसी तरह से जो है इसे पेस्ट स्टाइल कर देना। तो इस तरह से आपको जो सारे लेयर पे इफेक्ट को ऐड कर लेना है जहाँ पे आपने कोई भी जो इफेक्ट नहीं ऐड किया था। तो जैसे आप कर लेते हो उसके बाद यहाँ से आप सभी को बैक चले जाना है, फिर से यहाँ पे सीसी एचडीआर प्रोजेक्ट को पिन कर लेना है और यहाँ पे इन चारों लेयर को इस तरह से सिलेक्ट करके जो है यहाँ पे क्लिक करना और कॉपी फोर लेयर कर लेना है। फिर इस प्रोजेक्ट से बैक चले जाना है, फिर से सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट को पिन करना है, सॉन्ग बीट मैप प्रोजेक्ट को पिन कर लेना है और फिर यहाँ पे राइट की तरफ जाना है जहाँ से आपने फोटो लगाया था वहाँ पे पहुँच जाना है। 13.0 मिली सेकंड यहाँ पे पहुँच जाना है और यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है और पेस्ट फोर लेयर कर देना है जिससे एक एचडीआर से लुक आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपको बस म्यूजिक ऐड करना है, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए स्टार्टिंग में आ जाना है और फिर प्लस बटन पे क्लिक करना है, ऑडियो सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको सारे जो है म्यूजिक देखने को मिल जाएगा। तो म्यूजिक का लिंक आप सभी को जो है कमेंट सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इस प्लस बटन पे क्लिक करके म्यूजिक को ऐड कर लेना है, फिर यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। तो वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और इसी तरह के और भी मस्त वीडियो चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब के लिए गुड बाय।